डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करते हुए हम लोगों ने जैव प्रक्रम को पढ़ा है, यानी कि एक बायोलॉजी का सेक्शन है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मनुष्य में पोषण करने के बाद, यानी कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, भोजन कैसे, भोजन का पाचन होता है, फिर हम उससे ऊर्जा एनर्जी कैसे प्राप्त होता है, भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, फिर क्या होता है उस भोजन का, इसके बारे में हम लोगों ने डीपली पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चलो भाई, हम लोग करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग प्रश्न में प्रश्न 3 तक के किया है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 से। पाचक एंजाइम का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन है। पाचक एंजाइम का क्या अर्थ है, ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पाचक एंजाइम का क्या अर्थ है, इसका अब उत्तर लिखेंगे। उत्तर, पाचक एंजाइम का क्या अर्थ है का आंसर लिखेंगे। पाचक एंजाइम का अर्थ आंसर लिखेंगे पाचक एंजाइम का अर्थ प्रोटीन कॉमा वसा तथा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का पाचन से है, का पाचन से है। ध्यान दीजिएगा, पाचक एंजाइम का क्या अर्थ है, तो पाचक एंजाइम का मतलब होता है पाचन करना। अब किसका किसका पाचन करना, तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यानी कि पाचक एंजाइम का क्या अर्थ है, तो पाचक एंजाइम का अर्थ है वसा को पचाना, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को पचाना। यही 3 चीज़ को पचाना का अर्थ है पाचक एंजाइम। यानी कि पाचक एंजाइम का अर्थ यह हुआ कि वसा को, प्रोटीन को, कार्बन को पचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा जाए। क्वेश्चन, पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। देखिए, 5वां क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो हम लोगों का पचा हुआ भोजन है उस भोजन को अवशोषित करने, अवशोषित का मतलब खींचना, अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र में कैसे अभिकल्पित किया जाता है, यानी कि क्षुद्रांत्र कैसे कार्यशील होता है, क्षुद्रांत्र का कार्य बताना है। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि क्षुद्रांत्र भोजन को अवशोषित करने के लिए आखिर काम कैसे करता है या अभिकल्पित कैसे किया जाता है। ठीक है, आंसर लिखेंगे इसका। उत्तर, अमाशय में पचा हुआ भोजन, अमाशय में पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है, क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है, पूर्ण विराम, क्षुद्रांत्र आहार नाल का, क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा
वह कुंडलित भाग है, कुंडलित भाग है, पूर्ण विराम, क्षुद्रांत के आंतरिक सतह पर, अंगुली जैसे प्रवर्ध रहते हैं, अंगुली जैसे प्रवर्ध 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 रहते हैं, उसे दीर्घ रोम कहते हैं, उसे दीर्घ रोम कहते हैं, रोम दीर्घ रोम कहते हैं, पूर्ण विराम, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की हर कोशिका तक, पहुंचाने का काम करता है, हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए सबसे पहले सवाल समझिए, सवाल क्या बोल रहा था। सवाल बोल रहा था कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन का जो अवशोषण होता है ना, भोजन का अवशोषण का मतलब सूखना, ठीक है, तो वो क्षुद्रांत्र में कैसे अभिकल्पित किया जाता है, यानी क्षुद्रांत्र उसको अवशोषण करने के लिए कैसे कार्य करता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े भी हुए हैं कि जैसे ही हमारे मुंह द्वारा भोजन लिया जाता है तो वह भोजन कहाँ जाता है, सबसे पहले आमाशय में, पाचक एंजाइम, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ये सब सारा मिल जाते हैं और पाचक रस प्राप्त करके भोजन फिर आते हैं क्षुद्रांत्र में। और आप फिगर भी बनाए होंगे तो उसमें देख सकते हैं, पहले आमाशय में भोजन आता है, फिर क्षुद्रांत्र आता है। क्षुद्रांत्र क्या होता है, तो बहुत लंबा ऐसे कुंडलित भाग होता है शरीर के अंदर, जिसको आंत भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारा लंबा भाग क्षुद्रांत्र होता है। और उसी क्षुद्रांत्र के अंदर आंतरिक स्तर पे ये छोटे छोटे उंगली जैसे प्रवर्ध बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे यही काम करते हैं भोजन को अवशोषण करने में। तो कुल मिलाकर आंसर का मेन पॉइंट ये हुआ कि क्षुद्रांत्र के आंतरिक भाग में अंदर की सतह पर अंगुली जैसे प्रवर्ध बने होते हैं, जैसे कि अमीबा में कैसे देखे थे ऐसे, ये जो बाहर निकल रहा है ये सब प्रवर्ध कहलाएगा, ठीक है, तो वैसे ही उसके क्षुद्रांत्र के आंतरिक सतह पर अंगुली जैसा प्रवर्ध होता है जिसको हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं, और यही दीर्घ रोम का काम है भोजन को अवशोषित करना, सोखना, जो कहाँ मौजूद रहता है, तो जो क्षुद्रांत्र के आंतरिक भाग पर अवशोषित मतलब मौजूद रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 5 था जिसमें हम 3 पिछले क्लास में किए थे और आज हम 2 क्वेश्चन को डिस्कस किए। चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, श्वसन। और श्वसन के बारे में हम लोग सीखे हुए हैं कि श्वसन किसे कहते हैं, तो शरीर के बाहर से कोई गैस लिया जाता है, लिया जाता है तो वह श्वसन कहलाता है। जैसे अगर हम लोगों के लिए श्वसन के लिए क्या ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो श्वसन किसको कहते हैं, तो शरीर के बाहर से अगर ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया जाता है तब तो हम उसको श्वसन कहते हैं। हालांकि श्वसन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो चलिए फिर से लिख लेते हैं, लिखा जाए, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन गैस का ग्रहण करना
श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। चलिए ये तो हम लोग डेफिनेशन लिखे हुए हैं, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे श्वसन के दौरान ग्लूकोज ब्रैकेट में 6 कार्बनों वाले अणु, सी से मतलब कार्बन और ये 6 कार्बन वाले अणु, फिर ब्रैकेट बंद, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ब्रैकेट में 6 कार्बन वाले अणु कॉमा 3 कार्बन, सी माने कार्बन, 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट बताते हैं क्या होता है, पायरुवेट में विखंडन होता है, पायरुवेट में विखंडन होता है, यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। यानी दोस्तों जो अभी हम लोग लिखे हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज जो कि हमारे अंदर स्टोर रहता है इसमें 6 कार्बन होते हैं और इसी ग्लूकोज से 3 कार्बन वाले 1 कार्बन बनते हैं जिसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं और ये कोशिका द्रव्य में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज का बात करें जो कि कितना कार्बन है, 6 कार्बन है कोशिका द्रव्य में, तो यहाँ लिख देंगे कोशिका द्रव्य, यानी कि यह क्रिया कहाँ कराई जाती है, कोशिका द्रव्य में। एक हम लोगों को पायरुवेट मिलता है, पायरुवेट इसका नाम ही है पायरुवेट, याद रखना पड़ेगा पायरुवेट। इसमें कितना कार्बन वाले बनते हैं, 3 कार्बन वाले अणु, ठीक है। ध्यान दीजिएगा श्वसन में हम लोगों को एक बात याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे शरीर से के बाहर से जो भी गैस लिए जाते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, वो हमारे श्वसन कहलाया। लेकिन अब अगर पूछेगा कि श्वसन क्रिया के दौरान क्या क्या होता है, तो श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का विखंडन होता है, इस ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, कोशिका द्रव्य में पायरुवेट का विखंडन, पायरुवेट का निर्माण होता है जो 3 कार्बन वाले अणु होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में जो 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे भी और भी पॉइंट्स हैं, लिखेंगे नेक्स्ट एरो, ईस्ट बताते क्या होता है, ईस्ट में इथेनॉल ऐसे नाम लिख लीजिए, याद करना होगा, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। चलिए यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ईस्ट में, अब ईस्ट क्या है जरा इसके लिए हम थोड़ा सा अभी वेट कर लीजिए, हम डायग्राम बनाएंगे। तो ईस्ट एक स्थान होता है, जैसे कोशिका द्रव्य स्थान है वैसे ही ईस्ट भी क्या है, एक स्थान है। यही ईस्ट में क्या क्या बनता है, तो वही ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। अभी हम देखें ना कि ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट। अब पायरुवेट का विखंडन होता है, ये पायरुवेट जो मिल रहा है ना, ये पायरुवेट का विखंडन होके क्या क्या बनता है, तो इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड ना, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है,
अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये ऑक्सीजन के कहाँ होता है, अनुपस्थिति में। ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यह कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे याद कीजिएगा कि श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट बनता है और पायरुवेट का विखंडन होकर इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एरो दिया जाए, सब बात को हम बता देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नेक्स्ट लिखेंगे। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सॉरी, कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में, कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में यह पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं, यह पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे अनुपस्थिति में हो रहा है, और अभी जो लिखे ना ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये अभाव का मतलब क्या, कोशिका में। ठीक है, किसमें, कोशिका में। ध्यान रहेगा कोशिका में जो होता है ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। ये तो क्लियर है, अभी क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आप नोट कीजिए, हम सबको एक 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 ही साथ बता देंगे एक डायग्राम के द्वारा, जो सब चीज़ याद हो जाएगा। फिर लिखिएगा कोशिकीय श्वसन द्वारा, नेक्स्ट एरो देकर, कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा तत्कालिक रूप से ATP, फुल फॉर्म क्या होता है, एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ब्रैकेट क्लोज, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रैकेट क्लोज के संश्लेषण में प्रयुक्त तो हो जाता है, के संश्लेषण में प्रयुक्त तो हो जाता है। चलिए अब जरा एटीपी के बारे में पढ़ लेते हैं कि एटीपी क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और नोट में हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा लेंगे कि एटीपी कैसे बनता है। तो एटीपी का निर्माण एडीपी से होता है, अगर ये एडीपी है और इसके साथ अगर एक और फास्फोरस रिएक्ट करता है तब हम लोगों को यहाँ बनता है एटीपी। ध्यान रहे ये एडीपी क्या है, तो एडिनोसिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, देख लीजिएगा, ए फॉर एडिनोसिन, डी फॉर डाई, पी फॉर फॉस्फेट, और यहाँ पे पी का मतलब सिर्फ फॉस्फेट। तो अगर दोस्तों एटीपी का निर्माण कैसे होता है, तो जब एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाई डाई फॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ करते हैं तब हम लोगों को यहाँ पे बनता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग लिखे ना कि कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का तत्कालिक रूप एटीपी के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, यानी कि एटीपी काम क्या करता है, एटीपी जो काम करता है कोशिकीय श्वसन, आपको पता है हमारा बॉडी कोशिका से ही भरा हुआ है और कोशिका से मिलकर ही ऊतक बनता है और आगे का प्रक्रिया इसी तरीके से चलता है, यानी कि कोशिकीय श्वसन, यानी कि हमारा सेल भी होता है ना, हमारा कोशिका भी जो होते हैं वो भी श्वसन करते हैं, और उनमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसी एटीपी के संश्लेषण के द्वारा हमारे जो कोशिका श्वसन प्राप्त करके ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये एटीपी का मतलब क्या हुआ,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये काम कैसे करता है, तो कोशिकीय हमारे जो कोशिका है वो श्वसन क्रिया के दौरान एटीपी के रूप में इस संश्लेषण करके ऊर्जा अपना ग्रहण करते हैं। और ये नोट में करके लिखे हैं कि एडीपी प्लस पी, इसका मतलब क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अगर फॉस्फेट का अगर रिएक्शन कराया जाए तब हम लोग को एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये नोट में करके लिखिएगा, ठीक है। फिर लिखा जाए नेक्स्ट एरो, उसके नीचे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ब्रैकेट में लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रैकेट क्लोज पाइरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में होता है। चलिए, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर श्वसन हमको समझ में नहीं आया बढ़िया से, तो सबसे पहला शॉर्ट डेफिनेशन श्वसन का क्या है। तो श्वसन का शॉर्ट डेफिनेशन यही है कि अगर कोई जीव अपने शरीर के बाहर से कोई गैस ग्रहण करते हैं जो उनके जीवों के लिए अति आवश्यक होगा, उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। जैसे मान लिया मानव, हम लोगों के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस, जो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो शरीर के बाहर से, तो ये हम लोगों को श्वसन कहलाएगा। या अन्य जो जैसे पौधों के लिए कौन सी गैस ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वातावरण से, वायु से, तो उनके शरीर के बाहर से ही हुआ ना। तो इसका डेफिनेशन ये हुआ कि वे सभी जीव जो अपने शरीर के बाहर से कोई कोई गैस जैसे ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं अपने जीवों को चलाने के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए, जैव प्रक्रम के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और श्वसन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है श्वसन क्रिया के दौरान, सबसे पहले ग्लूकोज जो स्टोर करते रहते हैं हम लोग, उसमें 6 कार्बन होते हैं, और सबसे पहले ग्लूकोज विखंडन हो जाता है किसमें, तो कोशिका द्रव्य में। ये सभी बात लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर ये डायग्राम अगर समझ गया ना तो सब चीज़ आपको याद हो गया। तो सबसे पहले ग्लूकोज कितना कार्बन वाला है, 6 कार्बन, और ये कोशिका द्रव्य में की उपस्थिति में, कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में पाइरुवेट का निर्माण करता है। ये नाम याद रख लीजिएगा, पाइरुवेट, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। श्वसन के दौरान जो पहली क्रिया होती है, वो पहली क्रिया क्या होती है कि कोई भी ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में बदल कर, विखंडित होकर पाइरुवेट बनाता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस पाइरुवेट का विखंडन होता है अलग अलग प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस, और यहाँ पे हम लोग ला दिए थर्ड प्रोसेस। यानी कि पाइरुवेट का जो विखंडन होता है 3 तरीके से होता है। पहला जो होता है वो ईस्ट में होता है, ईस्ट ये शरीर के अंदर के भाग है, ईस्ट, ठीक है। फिर होता है यहाँ पे नेक्स्ट, तो कोशी नेक्स्ट ईस्ट, यानी कि पाइरुवेट का जो विखंडन होता है 3 भाग में होता है, एक ईस्ट में, एक कोशिका में और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, श्वसन में सबसे पहले क्या काम होता है, श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज से बनता है कोशिका, ग्लूकोज से बनता है पाइरुवेट कोशिका द्रव्य में, जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन का पाइरुवेट बनाता है। अब ये पाइरुवेट 3 भाग में अपना अलग अलग चीज़ों को बनाता है, पहला ईस्ट में, दूसरा कोशिका में, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्त ईस्ट
का उपयोग तब किया जाता है, देखो लो भाई, ईस्ट कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे शरीर के अंदर के भाग हैं, ठीक है। तो ईस्ट कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, अब आप बोलेंगे कि सर पायरुवेट बन गया, अब ये पायरुवेट क्या तीनों ही काम करता है? हाँ भाई, तीनों ही काम करता है, लेकिन तीनों एक साथ काम नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, ठीक है। शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की कभी कभी अनुपस्थिति हो जाती है। आप ये कभी कभी घुटन महसूस किए होंगे किसी टाइम, यानी कि कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह में जाइए जहाँ पे गर्दा ज़्यादा उड़ रहा है, ज़्यादा गैस है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है तो वो क्रिया होने लगता है, वो अभिक्रिया कहाँ होने लगता है, ईस्ट में। यानी कि तीन कंडीशन है, पहला वाला कंडीशन ईस्ट में होता है, पायरुवेट का ही अभिक्रिया होगा, पायरुवेट का ही आगे विखंडन भी होगा, लेकिन तीन अलग अलग केस में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन के अभाव, ऑक्सीजन के अभाव, फिर है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से पायरुवेट बनने के बाद होता क्या है, अब देखता है कि ऑक्सीजन का क्या मात्रा है। अगर ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा मात्रा में उपस्थित है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होने लगेगा। यानी कि देख लो भाई, ये हमारे शरीर के अंदर जो है ना, ये विखंडन की प्रक्रिया है। जैसे पायरुवेट से हम लोग कब ऊर्जा प्राप्त करेंगे, कैसे श्वसन करते हैं, तो पायरुवेट जो है वो तीन, पायरुवेट जो है तीन जगह काम करता है, एक ईस्ट में, और ईस्ट में तब काम करेगा जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रहे, जिसमें घुटन महसूस होने लगता है। दूसरा कोशिका में, देखिए ऑक्सीजन के अभाव का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का कमी, यानी कि जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, बल्कि उससे कम आ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे ऑक्सीजन के अभाव, जो कहाँ होता है, कोशिका में होता है। फिर बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में है, और तब यह क्रिया कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। दोस्तों पहला जो, अगर पायरुवेट का विखंडन ईस्ट में कब होगा, जब वायु अनुपस्थिति रहेगा। जब वायु अनुपस्थिति रहेगा तो क्या क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, यही बात हम पहले भी लिखवा चुके हैं कि पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो ईस्ट में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और किसका किसका निर्माण होता है, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ठीक है। तो ये एथेनॉल का मतलब होता है दोस्तों अल्कोहल, और अल्कोहल का मतलब नशा, ठीक है। तो ये नशा या बेहोशी कब होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहता है। तो याद करना बहुत सरल है कि श्वसन क्रिया के दौरान सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाएगा। अब पायरुवेट ही डिसाइड करेगा कि किस स्थिति में है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, कि ऑक्सीजन के अभाव में है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा कब बनाएगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा, जब ये ईस्ट में रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है ऑक्सीजन का अभाव। तो ऑक्सीजन का अभाव का मतलब ऑक्सीजन का कमी, पहले अगर 10 रुपीज़ था तो अब हो गया 2 रुपीज़, या 8 रुपये, चाहे 5 रुपये, तो पहले के पीछा घट गया ना, तब अभाव का मतलब होता है कमी। जितना चाह रहा है ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पा रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो हम इसको ऑक्सीजन के अभाव बोलेंगे। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एक प्रोडक्ट, एक प्रतिफल लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल, और दूसरा ऊर्जा निकलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह क्रिया कहाँ होता है, कोशिका में होता है। सेम सिक जो थर्ड पॉइंट्स है इसमें लिख पा रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर कब काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, जब ऑक्सीजन की क्या हो, उपस्थिति हो, तब हम लोग जो श्वसन क्रिया में पायरुवेट का विखंडन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा,
और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा कैसे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग इतना ही चीज में सब चीज बोल डाले, जैसे कि आप यहाँ पे लिखे ना उतना सारा बात, वही चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि ATP क्या होता है, ADP से ATP कैसे बनता है। और दूसरे वजह ये कि लॉकडाउन होने के कारण तो हम अभी कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आपको इतना अंदर से प्रयास करना चाह रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ। और इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो फिगर है ना, वो दैट इज़ अ वेरी वेरी मस्ट फिगर, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे दिख पा रहा होगा ग्लूकोज ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में विखंडन होगा, और यही पायरुवेट तीन प्रोडक्ट में बटेगा, और तीन प्रोडक्ट का अलग अलग नाम है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज हम लोग श्वसन क्रिया में के दौरान होने वाली अभिक्रिया या ग्लूकोज के विखंडन को देखा, फिर हम लोग अगले क्लास में आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।